बहुत अच्छे होंगे गाइज। आपको जैसे कि पता है कि आज हम लोग अपनी अम्मी के आए हुए हैं, तो आज हम लोगों का सेकेंड डे है, हम लोग यहीं पे हैं। नाइट भी हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया। हम लोग जाएंगे संडे को अपने घर वापस, क्योंकि मंडे में मॉर्निंग में स्कूल है इलाइजा लोगों का। तो गाइज़ इलाइजा जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, वो बोला था मुझे मीठी ब्रेड बना के दो। तो गाइज़ मैंने कहा चलें फिर मैं अपने गाइज़ के व्यूवर्स के साथ भी जो है ना शेयर करती हूँ कि मैं मीठी ब्रेड किस तरह से बनाती हूँ। तो आइए गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैं मीठी ब्रेड किस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पे जो है ना वो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दी, क्योंकि ये फ्रीज़ करके रखा हुआ था हम लोगों ने। तो मैंने अभी जो है इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। लूँगी 4 से 5 पीस जो है वो उसके 6 लूँगी। तो ये मैंने ब्रेड ले ली है, ठीक है। अब मैं लूँगी 1 अंडा। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पे हमने ले लिया है 1 अदद अंडा, और इसके अंदर जो है हम 1 चम्मच 2 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी। हम इसको अच्छे तरीके से फेंट देंगे। अभी ये देखिए गाइस, इसके अंदर जो है ना मैंने अच्छे तरीके से चीनी को जो है वो मिक्स कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको चीनी कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। अंडे के अंदर जो अच्छे तरीके से चीनी तो मैंने शेक कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो 1/2 कप दूध का ऐड करूँगी, गरम दूध बॉईल हुआ हुआ। यहाँ पे जो है मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है तवे का, ठीक है। वगैरह हो गया है सारा कुछ, अंडा वगैरह मैंने फेंट के रख लिया। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी, और दूध के अंदर ब्रेड को अच्छे तरीके से डिप करके फिर मैं चूल्हे के ऊपर डालूँगी, तवे के ऊपर। हाँ जी, तो गाइस ये देखिए मैं इसके अंदर जो है वो दूध ऐड कर चुकी हूँ। इसको थोड़ा घुमाऊंगी मैं अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर जो है वो मैं ब्रेड ऐड करूंगी। ब्रेड को अच्छे तरीके से इसके अंदर डिप करके फिर मैं इसको रखूंगी चूल्हे के ऊपर। हाँ जी, तो गाइज यहाँ पे मैं लूंगी 1 ब्रेड का स्लाइस, ठीक है, और उसके अंदर जो है इसको अच्छे तरीके से मैं डिप करूंगी। ये देखें, मेरे राइन को जो है वो बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इसको ये बना के दे रही हूँ। और इसको इस तरह से रख देंगे। ये बड़ी ही मज़ेदार सी मीठी सी ब्रेड बन जाती है, और बहुत जो है ये पसंद भी आती है हम लोगों को। ये देखें गाइस, बड़ी ही मज़ेदार सी लगती है ये ब्रेड। ये देखिए, इसको लाइट ब्राउन ब्राउन टाइप का जो है हम कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसका कलर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है, ये कलर आ चुका है इसके ऊपर। अब जो है हम इसको जो है वो प्लेट में रख लेंगे, उतार लेंगे इसको चूल्हे से, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हम ये जो है वो जल जाएगी। ये देखिए दूसरी साइड से भी कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब ये इसी तरह से जो है ना वो मैं सारे पीसेस को इस तरह से कर लूँगी। और ये देखिए बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा इन पे कलर आ चुका है। फ्लेम में थोड़ा कम कर दूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे पीसेस जो हैं वो जल जाएं। तो हल्का सा मैं डालूंगी इसके ऊपर नीचे ऑयल, ताकि ये तवे के ऊपर जो है वो चिपके ना। और ये देखिए हमारी आज्जा जो ये देखिए मस्ती कर रही है, चूड़ियों के साथ खेल रही है। किसकी हैप्पी बर्थडे आज? आज तो किसी की हैप्पी बर्थडे नहीं है, मेरी है। ओ, आपकी तो नहीं है, आपकी तो चली गई। हाँ, तो गाइज यहाँ पे देखें, ये हमारे जो दूसरे स्लाइस थे ये भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम इलाइजा से मिलते हैं, और इलाइजा को पूछते हैं कि हमारी जो मीठी ब्रेड थी वो इलाइजा से आपकी कैसी लगी। इलाइजा को यहाँ पे जो है हमारी सारी ब्रेड जो है वो तैयार हो गई है। अभी जो है इलाइजा खा रहा है। हम इलाइजा से पूछते हैं कि हमारी ब्रेड जो है वो कैसी बनी है। हाँ जी इलाइजा, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी मुनी, और बहुत अच्छी। आपको पसंद आई? बहुत मीठी। बहुत मीठी, मजा आया आपको? जी वेलकम। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए और अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट। हाँ जी, तो गाइज ये व्लॉग था इलाइजा का, तो इलाइजा ही आपसे बोलेगा।
हेलो गाइस, हम की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।